ठीक है, आज हम लेके चलेंगे स्पेक्ट्रम सीपीयू। यानी कि अगर स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो फ्री टूल से आप किस तरीके से करेंगे सॉफ्टवेयर, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। और MTK का IMEI नंबर वगैरह कुछ बता रहे थे, FRC वगैरह। हाँ वो हम बता रहे, पहले ये बता देते, वो तो बाद में आएगा, उसके बाद में है ये सिस्टम, पहले सॉफ्टवेयर। हाँ स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम को शॉर्ट में बोलते हैं SPD CPU। तो अगर वैसे ही बस आपको चेक करना है कि मोबाइल का मॉडल नंबर डाल के गूगल पर चेक करना है कि अगर उसके अंदर स्पेक्ट्रम अगर CPU लगा है तो फिर आप समझ जाओ कि हमें इसमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर करना है। ठीक है, तो उसी बारे में हम आपको मतलब बताएंगे स्पेक्ट्रम CPU यानी कि जिसके अंदर SPD CPU मतलब कि लगे हैं उनके अंदर किस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, वो इस आज मतलब की जो है क्लास रहेगी। ठीक है, मीडियाटेक मैंने आपको बता दिया था स्पेक्ट्रम है, तो हमें इसके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि हमें एक इसके लिए टूल चाहिए होगा और इसके ड्राइवर भी चाहिए, इस स्पेक्ट्रम जो CPU उसके ड्राइवर चाहिए होंगे, और स्टॉक रोम जो फ्लैश फाइल मैंने आपको बताई थी वो तो चाहिए होगा। तो हाँ, गूगल ओपन करेंगे तो पहले हमको फर्स्ट नंबर की रिक्वायरमेंट है अपग्रेड फ्लैश टूल। यानी कि ये फ्री टूल होता है, इसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ता है। अपग्रेड और या क्या नाम करके रिसर्चर डाउनलोडिंग टूल, दो मतलब की टूल जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने में। तो रिसर्च RESURCH रिसर्च डाउनलोड टूल। ठीक है, तो पहले हम डाउनलोड करते हैं अपग्रेड फ्लैश टूल। अपग्रेड फ्लैश टूल और वो भी करेंगे लेटेस्ट वर्जन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपके सामने दिख रहा है लेटेस्ट वर्जन, यहाँ क्लिक कर दिया तो पहले वाले लिंक पे हमें क्लिक करना है। पहला वाला लिंक अब देखो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ये कई सारे देखो यहाँ पे आ रहे हैं इसके वर्जन, और कौन सा हम डाउनलोड करेंगे, हाँ 0001 यही वाला जो आपको सामने जो दिख रहा है, ये लेटेस्ट लिखा भी है तो हमें लेटेस्ट वाला जो है फ्लैश टूल डाउनलोड करना है, तो इस पर हम करते हैं क्लिक। फिर नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना बहुत छोटा है, 2.4 MB का है ये, और तो हमें यहाँ पर क्लिक नहीं करना। मीडिया फायर का लिंक दिया है मेरा रवन मीडिया फायर, बस इस पर क्लिक करना है मीडिया फायर पे। हाँ, और यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट डाउनलोड। तो ये देखो बहुत जल्दी जो है डाउनलोड भी हो गया, छोटा सा टूल था, ये देख लेते हैं। अब ओपन फोल्डर करेंगे इसको, अब ये किस में है जो मैंने बताया था कि ये जो है, हाँ जिप है, यहाँ पे लिखा है जिप, तो इसको हम लोग क्या करेंगे राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। हाँ, क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे SPD जो है टूल जो है आ गया, आ गया यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग फोल्डर को करते हैं ओपन, ओपन कर लिया। तो देखो यहाँ पे कई सारी जो है वो फाइलें आपको दिख रही हैं, लेकिन इसमें हमारा जो है वो टूल कौन सा है उसको हम कैसे पहचानेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा अपग्रेड डाउनलोड लिखा है अपग्रेड, और यहाँ हाँ अब यहाँ इसको हम लोग डबल क्लिक कर लेंगे, ये है टूल। तो बस ये छोटा सा टूल था, देखो ये है, ये टूल जो है ओपन हो गया। इसी टूल से हम जो है स्पेक्ट्रम CPU के जितने भी मोबाइल होते हैं एंड्रॉयड उनमें हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा है पोर्ट के ऊपर जो सेटिंग का सिंबल बना है, यहाँ से हम लोग फाइल सेलेक्ट करते हैं, जहाँ भी माइट जो डी ड्राइव या ई ड्राइव या डिस्कटॉप पे जहाँ भी फोल्डर मतलब कि फाइल पड़ी होती वो सिलेक्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पे शो करती इस जगह पे। ठीक है, और बस प्ले वाली बटन दबानी है मोबाइल को इडल मोड में कनेक्ट करके, बस इतना करना रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, हमें स्पेक्ट्रम जो है वो ड्राइवर चाहिए होते हैं। ठीक, क्या चाहिए होते हैं,
हाँ एसपीडी की ड्राइवर, तो हमने जो है फ्लैश टूल जो है वो डाउनलोड कर लिया है, देख भी लिया है कैसे इसको ओपन करना है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है एसपीडी के ड्राइवर चाहिए, ठीक। तो हाँ तो हम लोग ड्राइवर के नाम से डाउनलोड करना। हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभी हमको करना है इसके जो है ड्राइवर डाउनलोड करना है। तो बैग जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एस पी टी सी पी यू और ड्राइवर, ठीक है। विंडोज 7 है आपका, तो विंडोज 7 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं पहले वाले लिंक पे क्लिक, देखते हैं। इस कॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो कई तरीके के मतलब कि ड्राइवर, और हमें ये जो है तीनों ड्राइवर जो है इंस्टॉल करने हैं। यहाँ पे तीन ड्राइवर इसके दिए गए हैं, ठीक है। हाँ यही तो बस चीजें हैं इम्पोर्टेंट। यहाँ पे SCI ड्राइवर दिया, USB 2 ड्राइवर दिया गया है, और यहाँ पे USB ड्राइवर दिया गया। तीनों ड्राइवर को हमें डाउनलोड क्लिक करना है। तो पहले वाले को चालू करते हैं कहानी, तो पहले वाले को हमने क्लिक कर दिया और कॉल करके नीचे आएंगे। अब कहाँ पे करेंगे, स्टार्ट नाउ, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया गया है, ये एड्स बाई जो है गूगल है। हाँ तो स्टार्ट नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, स्टार्ट डाउनलोड, ठीक। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ हाँ यहाँ पे आए बताओ, है ना यहाँ पे वो? अच्छा उनका जो किराया बाकी है ना, हाँ तो हम आज उसे बोलते हैं, ठीक है। किराया दे तो हमने उसे बोल दिया था, ठीक है किराए के लिए। ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं, हाँ उन्हें पढ़ने नहीं, नीचे चाय पी रहे होंगे, टाइम तो हो गया 9 बजे की मतलब क्लास थी, ठीक है। हाँ मुझसे बोल रहे थे वो कुन्ने वाले का ना। हेलो, हाँ कट गया। देख हॉस्टल से कॉल आ गई थी मकान वाले की, वहाँ जो लड़के वहाँ जो लड़के रहते उनका कुछ रेंट रेंट बकाया था, तो उनका फोन आया था, हमने बात कर ली। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया, देखो डेंजरस फाइल ब्लॉक्ड, यानी कि फाइल में कुछ वायरस वगैरह होगा, इसलिए मीडिया फाइल की जो साइड है उसने इसको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ड्राइवर हमें कहीं और डाउनलोड करना पड़ेगा फिलहाल, तो इसको हम लोग करते हैं बैक। अब जो हाँ जो नीचे वाला है इसको क्लिक करना है, इसको नीचे आओ स्क्रॉल करके और यहाँ पर स्टार्ट नाउ, जी जी। तो ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली हो रही है, इसका जो लिंक है वो डायरेक्ट हो रहा है यहाँ पर, वो उस पर IDM पे नहीं हो रही है ये फाइल जो है डाउनलोड हो रही है, नहीं सपोर्ट किया, डायरेक्ट लिंक दे दिया इसका। हाँ सो ऑन, हाँ सो ऑन फोल्डर करेंगे, और ये देखो आगे स्पेक्ट्रम जो है ड्राइवर, इस पर हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये फोल्डर आ गया। हाँ डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे इस फोल्डर को, और यहाँ पे लिखा है ये DPINST, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया और यस करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट, हाँ
हाँ अभी करे बता रहे पहले देखो यहाँ पे आया और यहाँ पे एक मैसेज आ गया, हाँ विंडोज सिक्योरिटी इंस्टॉल दिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनी वे, या इंस्टॉल पे करना है, इंस्टॉल करना है। और इसके लिए एक जो है स्पेक्ट्रम के लिए गेट सीरियल ड्राइवर और भी आवश्यकता रहती है, कुछ ऐसे कीपैड जो सेट होते हैं जो इसमें स्पेक्ट्रम सेट में जो सीपीयू लगा होता है उनको फ्लैश करने के लिए हमें गेट सीरियल ड्राइवर की आवश्यकता रहती है। हाँ ठीक है, अब हम डाउनलोड करा रहे हैं, अभी कराएंगे, ये पहले इंस्टॉल हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये बार बार नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है डोंट नहीं करना है, हमेशा इंस्टॉल दिस जो है ड्राइवर सॉफ्टवेयर एनी वे पे हमेशा क्लिक करना। फिर से नोटिफिकेशन आ गया, मैं आप टिक कर देंगे ऐसे। जो सिस्टम है वो काफी स्लो है, इसकी वजह से बहुत टाइम ले रहा है ना। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही रहेगा, बिल्कुल सही। 7th generation i3 जो लैपटॉप है अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आप देखो ये है तो वर्क, लेकिन वर्क जो है स्लो कर रहा है, बहुत स्लो कर रहा है जी। तो देखो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक नई विंडो आ गई है, डिवाइस इंस्टॉलेशन, ठीक है, और ड्राइवर विजार्ड जो है यहाँ पे टिक लगा हुआ, तो यानी कि इसके ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। हाँ ओके, अब इसको विंडो को हम लोग कर देते हैं कैंसिल यहाँ से। अब लेकिन हमने एक जो नहीं बस वही करना था सिर्फ ओनली वन। अब हमें क्या करना है कि जो हमने दूसरा जो पहले सबसे पहले जो डाउनलोड किया था वो कहाँ गया था, आईडीएम में, तो हम इसको डबल क्लिक कर लेंगे आईडीएम को और यहाँ से क्लोज किया और यहाँ पे लिखा है SCI ड्राइवर, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन फोल्डर करेंगे और इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ 7-zip से कर लो या किसी से भी कर लो, ये हो गया। तो यहाँ पे आ गया SCI एंड्रॉयड USB ड्राइवर, ठीक है, इसको डबल क्लिक किया ओपन किया और यहाँ पे आपका जो है 32-bit का सिस्टम है तो यहाँ पे 64 का नहीं करना, 86 जो है लिखा इसको हमको करना 32-bit का, डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं फोल्डर को और यहाँ पे वही DPINST आ रहा है उसी को, बस ये हमेशा ध्यान रखना DPINST इसको हमेशा जो है क्लिक करना और यहाँ नोटिफिकेशन पे इंस्टॉल करना है। बस ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपके सिस्टम पे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार अगर हो जाएंगे तो ये ड्राइवर मस्ट है, क्योंकि अगर ड्राइवर अगर जो नहीं होंगे तो फिर मोबाइल आपका कनेक्ट ही नहीं होगा, जब कनेक्ट नहीं होगा तो फिर हाँ सॉफ्टवेयर मोबाइल के अंदर ना तो सॉफ्टवेयर कर सकते हो, ना MI नंबर रिपेयर कर सकते हो, ना तो आप फ्लैशिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, हाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये अभी टेक लग गया, ये जो है वो फिनिश हो गया। अब क्या करना है आपको, एक जो है जो ड्राइवर है गेट सीरियल ड्राइवर, जो स्पेक्ट्रम से जो CPU के जो कीपैड मोबाइल आते हैं ना, जैसे सैमसंग के जो है जैसे B310 B313 ये जो मॉडल हैं इनके अंदर क्या है स्पेक्ट्रम CPU लगा होता है, तो उनको अगर फ्लैश करना है, कीपैड वाले भी फ्लैश हो जाते हैं इसी टूल से, तो उनको फ्लैश करने के लिए हमें जब उनको मिडिल मोड पे कनेक्ट करेंगे तो अननोन डिवाइस वहां पे लिख के आएगा, अननोन डिवाइस, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो है उसका जो है ड्राइवर हमें डाउनलोड करना रहेगा, ओके
तो उसे हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे पहले हम सर्च कर लेते हैं गेट गेट सीरियल ड्राइवर। अब देखिए अब हम यहाँ पे उसकी वो जो है वो लिखते हैं कैसे कैसे आप सीरियल ड्राइवर आ गया गेट गेट। हाँ ये आ गया विंडोज 7 ये आ गया। देखो यहाँ से अब हम लोग कई जगह से इसको मतलब कि जो है सही कर सकते हैं। तो पहला लिंक दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया है कुछ वीडियो भी दिए गए हैं। तो वीडियो से हमें खैर मिलेगा नहीं उससे ड्राइवर क्या मिलेगा, लेकिन हमें उनके डिस्क्रिप्शन से जो है हमें लिंक मिल जाता है। तो हम ऐसा करते हैं पहले तो हम लिंक जो है वो गूगल का ओपन कर लेते हैं। जो है तीन ड्राइवर आपको ध्यान से इंस्टॉल करने रहेंगे गेट गेट सीरियल ड्राइवर और वो जो दो मैंने कराए थे आप वहां से जो एक वही है ये वही है गेट गेट सीरियल ड्राइवर। अब देखो यहाँ पे दिया गया डिवाइड लिखा, लेकिन अगर हम इसको कहाँ से करेंगे यहाँ पे लिखा है गेट गेट सीरियल ड्राइवर वर्जन 2.4 ड्राइवर डाउनलोड, लेकिन हम कहाँ पे क्लिक करके आप बताइए आप कहाँ पे हम क्लिक करेंगे जो डाउनलोड हो जाए। यहाँ पे इस जगह हाँ देखो नीचे ये जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे एडी लिखा यानी कि एड सही ठीक है हाँ एड है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो है ड्राइवर जो है आपका डाउनलोड नहीं होगा ठीक है। और नीचे आते हैं तो ये कोई और ड्राइवर है ठीक है और ये भी कोई और ड्राइवर है तो ये भी यहाँ से भी नहीं कर सकते हैं हम इसको। तो चलिए हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे गेट गेट सील ड्राइवर, लेकिन यहाँ पे एड लिखा है यानी कि ये प्रचार है चाहे तो आप देख लो क्लिक करके आपको दिखाते हैं एड्स पे ही क्लिक होगा और जो है डाउनलोड कुछ और होगा करते हैं हम कुछ और हैं। देखो लेकिन ये क्या डाउनलोड होगा ड्राइवर टूल किट इंस्टॉल ठीक है, मतलब हम कुछ कर कुछ और रहे तो यही है इंटरनेट चलाने का। व्हाट्सअप फेसबुक तो सभी चला लेते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट चलाना बहुत ही अलग चीज़ है। अगर एक गलती से तुम्हारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा ख़राब कर देता है एक गलती एक जो है तुमने अगर कुछ भी डाउनलोड कर लिया फर्जी चीज़ तो उसमें क्या होगा कि वायरस वगैरह होते हैं तो फिर बस कहानी ख़त्म है चाहे सिस्टम हैंग करेगा। तो ये देखो है यहाँ पर हमने क्लिक किया दिखा रहा डाउनलोड ना लेकिन डाउनलोड ही हो रहा। चलिए तो इसको हम लोग इस पहले वाले पे आते हैं तो हम लोग पहले और देखते हैं दूसरा लिंक देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे एक लिंक दिया गया एक ये लिंक दिया गया तो हम पहले इसको ओपन लिंक न्यू टैब और इसको ओपन लिंक न्यू टैब दो जो है सिस्टम है उसको हम और जो है ओपन कर लेते हैं। अब इन पर हम लोग देखते हैं इस कंडीशन पे हमें क्या है घबराना नहीं है और जब एक बार जब हमारे डाउनलोड हो जाएंगे जितनी चीज़ें ये हम इन्हें अपने डी ड्राइव में इनको सेव कर लेंगे कि ताकि हमें दोबारा से जब कभी अगर हमें मतलब कि किसी हमारे अगर लैपटॉप में विंडो अगर ख़राब हो गई है या विंडो डाली है तो हमें दोबारा से जितने भी चीज़ें हम डाउनलोड करा रहे हैं या आप इन एक को एक डी ड्राइव में अपने फोल्डर में इकट्ठा करते जाइए ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना रहेगा आपको हाँ तो यहाँ से कॉपी कर लो ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया गेट गेट सीरियल ड्राइवर और देखो यहाँ पे डाउनलोड फाइल दिया गया है हाँ तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं और यहाँ पे आ गया स्टार्ट डाउनलोड हो गई डाउनलोड वो छोड़ ओपन फोल्डर पे आ गए और ये लिखा विंडोज 7 गेट गेट और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फोल्डर आ गया। तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर हैं देखो अब ये सेटअप में नहीं है ये फाइल में है सिस्टम फाइल और सिस्टम सेटअप इन्फॉर्मेशन दो टाइप के हैं तो इनको हम कैसे करेंगे अपडेट जब मोबाइल हम कनेक्ट करेंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से इनको अपडेट करना है इन ये वाले ड्राइवर। अभी तक जितने भी हमको ड्राइवर मिले वो सेटअप थे हमने डबल क्लिक किया उनको इंस्टॉल कर लिया लेकिन ये जो ड्राइवर हैं किस में है फाइल में है फाइल में है तो इनको हम लोग कैसे करेंगे तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं अब आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर पे जाएंगे और माइनस
डिवाइस मैनेजर। अब जैसे यहाँ पे ये है, उसके सामने क्या येलो कलर का सिंबल आएगा जो उसका ड्राइवर नहीं होगा, या अननोन डिवाइस लिख के आएगा, क्या आएगा, अननोन डिवाइस। हाँ, तो उस पर आपको कैसे करना है उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये जैसे है, एक ड्राइवर लिखा है जनरेट यूएसबी हब, तो यहाँ पे येलो कलर का सिंबल लगा होगा, तो अब हमें वो वाले वही ड्राइवर हमको क्या है उसको हमें उठाने हैं, वही वाले ड्राइवर। हाँ, तो कैसे करेंगे, हाँ राइट क्लिक करेंगे, अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, ब्राउज, ठीक है, इसके बाद लेट मी पिक, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे हैव ए डिस्क, ब्राउज। अब इसके बाद अब ये जो है खुलेगा, तो हमें जहाँ पे हमारे जो है वो ड्राइवर पड़े हुए हैं, तो यहाँ डॉक्यूमेंट वीडियो और वो डाउनलोड वाला फोल्डर ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेते, थोड़ा कट कर देते, दोबारा से फिर समझा देते हैं। हाँ, तो डबल क्लिक, राइट क्लिक, ओपन फोल्डर, और ये था, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे ऐसे सिंपली, ये आ गई। अब हम लोग डिवाइस मैनेजर पे आते हैं, नॉर्मली हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन उसका तो ऑलरेडी है यूएसबी का, ठीक है। ऐसे जब हम लोग मोबाइल कनेक्ट करते तब यहाँ पे अननोन डिवाइस करके जो है वो आएगा, तब यहाँ अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ब्राउज, लेट मी पिक, और इसके बाद हैव ए डिस्क, हाँ अब ब्राउज, ठीक, और डेस्कटॉप पे आएंगे, और जो ये फोल्डर दिया गया है, हाँ ये लिखा गेट गेट, इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे ऐसे, बस इतना करना, यहाँ से करोगे ओके ओके करते जाओगे, जो है ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब कि ऐसे रहेगा। और जिस मोबाइल का अगर आपको पता नहीं है कि हम उसका आइडियल मोड कैसे ओपन करें, तो आप उसको गूगल पे सर्च करके भी उसका आइडियल मोड जो है ओपन कर सकते हैं, कीपैड का भी, जी जी हाँ, एंड्रॉइड का भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो। अब हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमारे पास जो है टूल भी हो गया, ड्राइवर भी हो गए, हाँ अब हमारे पास रह गया क्या, स्टॉक रूम। तो नॉर्मली कोई सेट, जैसे हम लोग कोई भी सेट ले लो, आप बताओ इसमें स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा है, या फिर जैसे हम मान के चलते हैं कि एक जो सेट है क्या नाम, सैमसंग का छोटा आता है, आपने देखा है B310E, उसके अंदर भी स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा हो, हाँ तो यहाँ पे करना है SM B310E, और हाँ सैमसंग का है, SM लिखा हो सैमसंग में, SM B310E, और इसके बाद जो है इस पर लिख सकते हैं, हाँ इसके आगे लिख सकते हैं स्टॉक रोम, STOCK स्टॉक रोम डाउनलोड लिख दिया, क्लिक कर दिया यहाँ पे स्टॉक रोम डाउनलोड, और पहले वाला जो है फाइल जो हमें इसकी जो है क्लिक कर देना है, ओपन लिंक न्यू आ गया, और इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, और यहाँ पे देखो लिखा है SM Samsung B310 फ्लैश फाइल, ड्राइवर भी यहाँ पर दिए, और यहाँ पे SPD टूल भी दिया है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ फाइल, क्योंकि ड्राइवर और जो है हम डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, तो पहले वाले लिंक पे हमें क्लिक कर देना है, तो ये गूगल ड्राइव का जो है लिंक खुल गया, तो हम लोग इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये देखो लेफ्ट साइड में क्या होने लगी, डाउनलोड होने लगी, या फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड पे आप चेक कर सकते हो इस जगह पे जो कितनी डाउनलोड हो गई, और देखो इसी के अंदर भी क्या है, एक टूल भी दे दिया है इन्होंने, यहाँ लिखा B310 फ्लैश फाइल एंड टूल, दोनों साथ ही में दे दिए हैं,
और सबसे बड़ी बात जो होती है, इसकी जो फाइल होती है वो डाट पैक, उसमें क्या था, स्कैटर था MTK वाले में, और इसमें क्या है डॉट पैक PAC फॉर्मेट में फाइल होती है। हमेशा स्पेक्ट्रम CPU की जो फ्लैश फाइल होती है डॉट पैक फॉर्मेट में। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, पहले तो एक्सट्रैक करना पड़ेगा, एक्सट्रैक कर लेते हैं, खुली है, एक सेकंड, सो ऑन फोल्डर ये आया Samsung, इसको हमने यहाँ से किया कॉपी, और डेस्कटॉप पे ले आए। ये आपके समझाने के लिए हम डेस्कटॉप पे ला रहे हैं, ठीक है, आपका कहीं भी हो कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही हो गया एक्सट्रैक्ट, ये फोल्डर आ गया, इसको हमने ओपन किया B310E, और इसको भी ओपन, और देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, Samsung B310, और यहाँ पे .PAC है पैक फॉर्मेट में। और यहाँ पे देखो एक टूल और जो दिया था ना आपको, बताया था रिसर्चर डाउनलोड टूल है ना, देखो रिसर्चर डाउनलोड टूल को अगर हम लोग ओपन करेंगे बिन, और ये भी वही है सिम जो लिखा है रिसर्चर डाउनलोड एप्लीकेशन वाला हमेशा यूज करेंगे, ये देखो ये आगे सेम वही है, बस थोड़ा ये अपग्रेड है इसके अंदर, हाँ बस वही वही पोर्ट वही सेटिंग वही सब कुछ है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्या, पोर्ट पे क्लिक करके इस पे, और हम लोग यहाँ आएंगे क्या नाम है डेस्कटॉप पे आएंगे, और स्क्रॉल करेंगे ऐसे करके Samsung B310E, और इसके अंदर डॉट पैक वाली है फॉर्मेट, इस फाइल को हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो देखो यहाँ पे ये फाइल जो है लिख के आ गई। अब आपको अपना मोबाइल कनेक्ट करना है EDL मोड में, और ये बस सिर्फ प्ले वाली बटन जो है आपको दबा देनी, ये वाली बटन, बस सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, समझ में आया। अब हम वाले अपग्रेड टूल पे आपको दिखा देते हैं किस तरीके से फाइल को हमें जो है ऐड करना है। तो कंप्यूटर, अरे उससे डाउनलोड किया था ना IDM में किया था, हाँ तो IDM और अपग्रेड नहीं, अब इसमें कहाँ, हाँ SPD अपग्रेड, हाँ राइट क्लिक ओपन फोल्डर, और ये आ गया, और इसके बाद यही इसका हमने स्टार्ट कर लिया था, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी। और ये ध्यान रखना हमेशा जो है टूल वगैरह जितने भी यूज़ करने हैं हमेशा लेटेस्ट वर्जन के ही टूल हमें जो है यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो हर चीज़ है, फाइल भी है, ड्राइवर भी हो गए हैं, और जो है टूल भी है। तो मैंने आपको अभी रिसर्च टूल से आपको बताया किस तरीके से काम करते हैं, ऐसे बताते हैं अपग्रेड टूल से। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, अपग्रेड वाले फोल्डर को ओपन किया, और इसके बाद हमने अपग्रेड जो डाउनलोड इस पर क्लिक कर दिया। हाँ देखो वही सेम है, बस खाली नाम उसका अलग कर दिया है, और ये अपग्रेड किया भी है, बस इसका वही वर्जन आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे आना है पोर्ट पे क्लिक करके, और डेस्कटॉप, और ये B310E, और इसके अंदर .PAC ये पैक वाली फॉर्मेट, ये ध्यान रखना हमेशा फाइलों का भी वर्जन बहुत पता चलता है .PAK। ओपन कर लिया, ये वो फाइल यहाँ पे आ गई, देखो दिख रही है पैक के साइज कितना है, 6 MB का, कीपैड का है तो 6 MB का है, अगर एंड्रॉयड करोगे तो फाइल जो है वो बड़ी होती है, ठीक है। अब आपको USB केबल से या डेटा केबल से मोबाइल को इडली मोड में कनेक्ट करके सिंपली जो है आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, बस आपका जो है मोबाइल में फ्लैशिंग चालू हो जाएगी यहाँ से रीडिंग कर, हाँ बस कनेक्ट करना, बस बात बाकी सारा प्रोसेस जो है वो हो गया है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी इस जगह पे अगर कीपैड में कोई सेट है तो कीपैड के भी कर सकते हो, जैसे Samsung B310E है, Samsung B310 जो ई मॉडल है वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं, कीपैड मोबाइल है, हाँ इस मतलब ये काफी लोग यूज करते हैं उसको, हाँ ये वाला जो मोबाइल है वाइट ब्लैक और ब्लू में इस मोबाइल को मतलब फ्लैश करते हैं। इसमें क्या होती है, इसकी बीच वाली जो बटन होती है इस मोबाइल की वो EDL मतलब कि मोबाइल को ऑफ करना है, ऑफ करके ये वाली बटन दबानी बीच वाली, और डाटा केबल जो है लगा देना है, हाँ बीच वाली जो बटन होती है इसके, हाँ हाँ बीच का सेंटर वाला, इसको दबाए रखना है। तो ये जब इसको दबा के आप डाटा केबल कनेक्ट करोगे तो डिवाइस मैनेजर में इसका जो है पोर्ट बन जाएगा, अब पोर्ट बन जाएगा तो वहाँ पे आपको वैसे प्ले कर देना है उसी पे, इस बस यानी सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा, ऐसे एंड्रॉयड को भी आप कर सकते हो। हाँ अब इसमें क्या होता है कि
इसके अंदर क्या होता है कि बूट की, जैसे कुछ सेट ऐसे होते हैं कि स्पेक्ट्रम के जो बूट नहीं करते हैं, बूट मोड में नहीं आते, तो हमें बूट की का इस्तेमाल करने पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मार्केट से जो है बूट की खरीदनी पड़ेगी। क्या है अभी हम आपको दिखाते हैं, बूट की ये होती है, ये वाली, ये लगभग 100 रुपए के आसपास मिलेंगे आपको। तो ये डाटा केबल के आगे जो है ये बूट की आपको लगानी है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पे, इससे आपको मोबाइल को कनेक्ट करना है, ठीक है। फिलहाल एसपीडी में लगाओ बात, बाकी जो जो सेट है वो खुद ही बूट कर जाते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो है वो स्पेक्ट्रम के लिए आपको ये वाली जो है ये मिरेकल बूट की जिग लिखा है, ये आपको जो है मार्केट से परचेज करनी पड़ेगी, तो इससे आसानी रहती है। वैसे आप डाटा केबल से भी करोगे तो हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहती है, ठीक है। तो ये बूट की मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि इस तरीके से आपको जो है बूट की आगे मतलब यूज़ करना डाटा केबल के आगे, तो जो है अपना जो काम जो है हो जाएगा। तो ये था हमारा स्पेक्ट्रम सीपीयू, यानी कि स्पेक्ट्रम सीपीयू में आप किस तरीके से जो है कोई जो है मोबाइल कोई भी किसी भी कंपनी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके अंदर स्पेक्ट्रम अगर सीपीयू लगा है तो आप इसी जो टूल है ये फ्री टूल से आप उनके अंदर जो है सॉफ्टवेयर कर सकते हो सिंपल तरीके से। अब तुम्हें यहाँ पे कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लग रहा है आपको? हाँ अनलॉकिंग में अभी थोड़ा टाइम है, पहले हम लोग जो फ्री टूल समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके से आपको सिखाया जाए, ठीक है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ में आती जाए, ठीक है। अभी अगर हम अगर आपको अनलॉकिंग इसी में समझा देंगे, ठीक है, तो आपकी वो माइंड से फिर वो निकलने लगेगा, फिर एक ये हो जाएगा एक आज का फिर कल का नहीं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ही आपको सिखाएंगे, ठीक है। और इसका वीडियो भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, तो अभी दोनों वीडियो हो गए, कल वाला भी वीडियो हो गया, परसों शायद रिकॉर्ड नहीं किया था, तो आज का वीडियो हो गया, तो दोनों वीडियो हो गए, तो इनको भी दोनों वीडियो को हम जब टाइम मिलेगा एडिट करके तो आज ही शायद हम आपको जो है मेल पे जो है भेज देंगे, ठीक है। वो लगभग 2 TB है, हाँ, मतलब कि आपको करना पड़ेगा, हाँ, पहले आप सीख लीजिएगा, इसके बाद हाँ बस आपको स्पेक्ट्रम सीपीयू एक-एक करके सीपीयू पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है, हाँ ओके ओके ओके, ठीक 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 है। जो जो मैंने आपको आज सिखाया यही वीडियो रहेंगे आपको, जैसे हमने आपको आपको सिखाया है यही वीडियो रहेंगे आपके पास, तो आप अगर भूलते भी हो तो यही सब वीडियो आप देख के आप जो है सही कर सकते हैं उसको।